जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी जीके बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों निभाएगा, क्योंकि 10 नंबर का स्ट्रैटेजी जीके आएगा और उसका एक पार्ट आज हम देखने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डीपली देखेंगे और आपको बता दें जितनी भी क्लासें हमने ली हैं सबकी मैराथन पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए पहले हमारे टेलीग्राम पे, साथियों आपको सर्च करना हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, देखिए इस तरह से आपको लोगो लगा मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो डाले थे, इतिहास मैराथन की हो गई, ठीक अर्थशास्त्र की हो गई और दोस्तों संविधान की हो गई। इसकी तरह से दोस्तों सारी स्टैटिक जीके की मैराथन है और आपके भूगोल की मैराथन, तो सब कुछ डाल दिया दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं मिलते दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन लगी हुई पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि भैया अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप अगर अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें हमने सब कुछ पढ़ा दिया। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों यहां से पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और अगर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले क्या है, ये है अपना भारत दोस्तों, और यहाँ पे कौन कौन से देश आपके भारत से लग रहे हैं अपने, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये इधर पाकिस्तान लग रहा है, ये अफगानिस्तान लग रहा है, ये चाइना, ये नेपाल होगा दोस्तों, ये भूटान होगा और ये हो गया आपका बांग्लादेश देश। इसके अलावा मेरे साथियों ये आपको दिखेगा म्यांमार हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये जल से लगा हुआ दोस्तों ये आपको दिखेगा श्रीलंका, और भारत दोस्तों इस तरफ क्या है बंगाल खाड़ी और इस तरफ है अरब की अरब सागर। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, बाकी दोस्तों आपको हम समझाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए साथ देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में तो बता दें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सातवां स्थान किसमें है, क्षेत्रफल में, और जनसंख्या के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। और आपको बता दें भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती है, ये आपके विधान रक्षक भवन के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन से 7 देश हैं तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा लगेगी। और मैं आपको बता दोस्तों कि कितने राज्य गुजरती है दोस्तों, 5 राज्यों से। कैसे याद रखें दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों अमे मित्र, क्या अमे मित्र, अमे मित्र शॉर्टकट में देख लेंगे, अमे मित्र बंगाल, क्या अमे मित्र बंगाल है ना, अमे मित्र बंगाली। ठीक है, ऐसे रखेंगे, देखिए आ से हो जाएगा दोस्तों असम, मे से हो जाएगा मेघालय, और मी से हो जाएगा मिजोरम, अत्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, और बंगाली से बंगाल। ठीक, अमे मित्र बंगाली किसका, बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा है चीन। ठीक है, 3488 किलोमीटर लगता है, देखिए ये किसको लगेगा, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए लद्दाख में आपको पता है पैंगोंग लेक पे इसका विवाद चलता है, तो पैंगोंग लद्दाख तो लगेगा लगेगा। उसके अलावा तो लद्दाख के बगल में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश लगेगा, उत्तराखंड भी लगेगा। ठीक है, उत्तराखंड, और उसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये अपना अधिकार बताता ही रहता है पगला। ठीक है, तो ये भी आपके लग जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका दोस्तों लद्दाख। ठीक है, वही दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से भी 3+2 राज्य लगते हैं, आपको याद रखना कैसे दोस्तों, राजपंगु लद्दाख, राज पंगु लद्दाख। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, पंगु लद्दाख। देखिए राज से राजस्थान, जा से दोस्तों क्या होगा जम्मू कश्मीर, और पास से दोस्तों पंग से पंजाब, और गु से दोस्तों क्या होगा गुजरात हो जाएगा, और लद्दाख से लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों पाकिस्तान 3323 किलोमीटर साझा करता है बाउंड्री। चलिए उसके बाद नेपाल आएगा, नेपाल 1751 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों को छूता। वही म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर दोस्तों ये भी आपको बता दें कि साथियों कितने हो गए, ये 4 राज्य हो गए, लिख लीजिए 4 कर लीजिएगा। ठीक है, म्यांमार छूता है 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश को छूता है, और अफगानिस्तान केवल और केवल दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी को छूता है, वो है लद्दाख, वो भी दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूट एरिया है जिसको पाकिस्तान ने मतलब अनलीगल तरीके से कब्जा रखा है। ठीक, 106 किलोमीटर। देखिए आपसे क्या पूछेगा, कितने राज्य छूता है दोस्तों, कितने देशों छूता है, तो आप देखेंगे 55 MBA, क्या 55 MBA, 55
MBA, बचपन में MBA क्या ना वैसे सुना होगा। बा से दोस्तों बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से दोस्तों भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो बचपन MBA दोस्तों ये सात देश हो जाएंगे। और आपको बता दें सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश की, और सबसे कम किसकी लगेगी साथियों, तो आपके अफगानिस्तान के 106। देखिए सार्क देश के सदस्य दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था पेट में और ये हमेशा पूछा था। सार्क देश में कौन कौन से देश हैं दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। देखिए आपको याद कैसे रखना, जो भी आपका पड़ोसी देश है ना उसमें से आप म्यांमार और चाइना को हटा देंगे, म्यांमार और दोस्तों चाइना को हटा के आपको मालदीव जोड़ देना, क्योंकि मालदीव भी हमारा पड़ोसी है, ठीक है, जली पड़ोसी है, ठीक है। तो ये चीज आके माल देखिए आपके ऑप्शन में चाइना और म्यांमार जरूर रहेगा, कि इनमें से कौन सा नहीं, तो चाइना और म्यांमार मिलेगा, उसको आप अलग कर देना, ठीक है। चलिए सार्क देशों के, अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। अब देखिए एक एक देश के बारे में देखेंगे जो कि हमारे पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की बात करते हैं, तो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है, 4,096 किलोमीटर, और ये जूनियर असिस्टेंट 2020 में दोस्तों पूछा गया, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अभी 2020 में इसका पेपर हुआ था और इसी एग्जाम में दोस्तों हमारा सिलेक्शन भी हो गया आप लोगों की आशीर्वाद से, ठीक है। तो इसी में पूछा गया क्वेश्चन था, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। देखिए अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के बीच है। देखिए भैया जब पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान देखिए पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, दोनों के बीच दोस्तों ये रेखा खींची गई थी, ठीक है। अब दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान ही था, ठीक है, तो रेड क्लिफ इसके पीछे था, ठीक है। चलिए आपको बता दें ये भारत के पांच राज्य छूता है, हमने बताया था दोस्तों, अमे मित्र बंगाली, आ से असम, में से दोस्तों मेघालय, और मी से मिजोरम, और दोस्तों त्रि से त्रिपुरा, ठीक, अमे मित्र बंगाली, बंगाल, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना आपको पता होगा, और राष्ट्रपति दोस्तों अब्दुल हामिद है वर्तमान में, ठीक। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता यानी बांग्लादेश के जनक किसको बोलते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान, किसको दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों बांग्लादेश का पिता कहते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो दोस्तों महात्मा गांधी, उस प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, दोस्तों याद रखेंगे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए वीडियो में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा था, त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों तरफ से ना, तो याद रखें त्रि से तीनों तरफ से ऐसे याद लेंगे, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ दोस्तों, जिसे जीरो लाइन के द्वारा दोस्तों बांग्लादेश से अलग होता है। देखिए आप पूछेगा कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के दोस्तों जो सीमा है उसको इसके सामने जानते हैं, जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, UP SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक UP SSC के 2018 पूछा गया, क्या कि त्रिपुरा अपने इसमें स्पेस था कि कौन सा राज्य अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो भैया त्रिपुरा ही तीनों तरफ से, यानी उत्तर से भी घिरा है बांग्लादेश से, दक्षिण से भी, पश्चिम से भी, ठीक है। और ये याद रखें दोस्तों, आपके जूनियर असिस्टेंट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों, 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे दोस्तों कि बांग्लादेश, देखिए भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट दोस्तों बागेरहाट में 2x660 MW की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। तो यार कहीं मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना दोस्तों किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी नवीनतम है, तो भारत और बांग्लादेश दोस्तों इसी साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, ठीक, देश की मान्यता दी थी, इसीलिए 6 दिसंबर को दोस्तों दोनों देश दोस्तों क्या मनाएंगे, मैत्री दिवस मनाएंगे, ठीक है। चलिए अब बांग्लादेश के दोस्तों विवाद देख लेते हैं, आपको पता होगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराना सीमा विवाद था, जिसका निपटारा दोस्तों संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मत से भारत बांग्लादेश के कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया, जिसके लिए दोस्तों 119वां संविधान संशोधन विधेयक और 100वां संविधान संशोधन लाया गया। दोस्तों याद रखेंगे भारत बांग्लादेश सीमा विवाद दोस्तों किस संशोधन द्वारा सुलझाया गया, तो 100वें संशोधन द्वारा, ये चीज याद रखेंगे। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है, तो भारत बांग्लादेश से। रोहिंग्या शरणार्थी दोस्तों विवाद किससे संबंधित है, भारत बांग्लादेश। देखिए अभी मैं आपसे बात करूंगा, एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं कि उइगर मुसलमान दोस्तों किससे संबंधित है,
भारत, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश। तो आप बताइए उइगर मुसलमान दोस्तों किससे संबंधित है, तो किस देश से संबंधित दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तुरंत। ठीक है, चलिए 3 बीघा का लिया दोस्तों विवाद किससे संबंधित है, तो ये भी बांग्लादेश से। और न्यू मोर द्वीप दोस्तों विवाद किससे दोस्तों, भारत बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये भी याद रखिएगा कि देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों मिताली एक्सप्रेस अभी नवीनतम ट्रेन है, 3 ट्रेनें चलाई गई हैं। और यूपी पुलिस दोस्तों पूछा गया था ठीक है कितनी ट्रेन चलती, उस समय दोस्तों 2 ट्रेनें चलती थी, अभी ये हाल ही में मिताली एक्सप्रेस को चलाया गया है। किसने चलाया है, तो यार कहेंगे मिताली एक्सप्रेस को भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने झंडी दिखाकर दोस्तों इसको रवाना की। और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी शुरू की गई। और एक चीज और समझिएगा, देखिए आपके जो भारत से दोस्तों उत्तराखंड से निकल के आती है दोस्तों एक नदी जमुना नदी, सॉरी गंगा नदी आएगी, और गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा कहते हैं। और दोस्तों इधर से एक आती है असम से दोस्तों, कौन सी नदी, तो आपको पता होगा दोस्तों इधर से आती है जमुना नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को दोस्तों जमुना नदी बोलते हैं। और दोनों का दोस्तों धारा होती है मेघना, दोनों मेघना, और यही मेघना दोस्तों जाकर के एक सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान रखेंगे इसका दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश दोनों जगह स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कहाँ है, भारत और बांग्लादेश के, कौन से नदियां बनाती है, जमुना और पद्मा दोस्तों, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका है। और कुल प्रांत कितने हैं बांग्लादेश में, तो दोस्तों 8 हैं। कितने प्रांत हैं, 8 प्रांत हैं। मुद्रा तो टका है, और आजाद कब हुआ, तो 26 मार्च 1971 को। मुक्ति दिवस कब मनाया दोस्तों, तो 16 दिसंबर 1971 को, इसी दिन मैत्री दिवस भी मनाएगा भारत साथ। संसद कौन सी है, संसद का नाम क्या है, जाति संसद। पशु कौन सा, राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर दोस्तों, आप बता दें सुंदरवन के डेल्टा में पाए थे बंगाल टाइगर। और राष्ट्रीय फल दोस्तों इनका कटहल है, और सबसे बड़ा फल कटहल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है, कटहल है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आम है मेरे साथियों इनका। और राष्ट्रीय पुष्प इनका वाटर लिली है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है, कबड्डी। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। राष्ट्रीय भाषा दोस्तों बंगाली है। और राष्ट्रीय नदी दोस्तों इनकी सुरमा है, क्या है, राष्ट्रीय नदी सुरमा है दोस्तों। और पर्वत चोटी सबसे ऊंची कौन सी दोस्तों, साका हैफांग दोस्तों, याद रखेंगे। और इनका राष्ट्रगान दोस्तों अमार सुनार बांग्ला है, जिसे दोस्तों हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत और बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए और दोस्तों याद रखेंगे कि बांग्लादेश ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए दोस्तों कीटोप्रोफेन नामक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि दोस्तों जानवरों को लगाया जाता था। जानवर मरने के बाद दोस्तों उनको गिद्ध खाते थे, और गिद्ध दोस्तों विलुप्त हो रहे थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम चीन से देखते हैं दोस्तों, चीन के बारे में देखते हैं, फादर ऑफ कोरोना दोस्तों, जहां से कोरोना निकला था। ठीक है, चलिए अब चीन भारत के दोस्तों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला ये देश है दोस्तों। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 पूछा गया कि इस विश्व का सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा, तो चाइना ही है दोस्तों। अब देखिए भारत चाइना के सीमा निर्धारण आप बात कर ले, तो पहला दोस्तों मैकमोहन रेखा, आप बता दें भारत और चीन के मध्य आपसे पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के मध्य दोस्तों कब खींचा गया, तो 27 अप्रैल 1914 को दोस्तों हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित किया गया। और आपको बता दें कि 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने स्वीकार भी किया था। ठीक है, दूसरा दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, क्या लाइन एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों, लाइन एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों भारत और चीन के मध्य वास्तविक सीमा रेखा है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन में अधिकृत क्षेत्र आकसाई चीन को अलग करती है। ठीक है, और अगर इसके बाद में दोस्तों हम चाइना के साथ विवाद देखें, तो देखिए पहला एक युद्ध हो चुका है दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 में, और 2017 आपको बता डोकलाम विवाद हो चुका है भूटान बांग्लादेश, भूटान भारत और चीन के साथ। ठीक है, और पैंगोंग लेक दोस्तों ये विवाद चल रहा है, ये लद्दाख में, याद रखेंगे पैंगोंग लेक कहाँ है, लद्दाख में है। अब चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। कुल प्रांत दोस्तों 34 है। और मुद्रा दोस्तों रेनमिनबी दोस्तों या फिर युआन दोस्तों, ये आपके यूपी जेल वार्डन 2018 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और आजाद कब हुआ चाइना, तो 1 अक्टूबर 1949 को। संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। और राष्ट्रीय पशु दोस्तों पांडा है। वृक्ष का नाम है जिंको। और पक्षी दोस्तों रेड क्राउन क्रेन दोस्तों। यहाँ का पुष्प क्या है, पियानो है। और राष्ट्रीय भाषा मंदारिन, जो कि बहुत ज्यादा बोली जाती है। राष्ट्रीय फल दोस्तों कीवी। देखिए कीवी एक ऐसा फल है ना, जिसे भारत में जैविक फल घोषित किया गया। क्या, भारत में जैविक फल किसे घोषित किया गया दोस्तों, कीवी को। ठीक है,
राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। और सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट कोलमलंगा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी दोस्तों, यांगसी है ना, यांगसी यांगतजी दोस्तों, याद रखेंगे यांगसी या फिर यांगतजी दोस्तों, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पाकिस्तान के दोस्तों, पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको बता दें यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अब पाकिस्तान नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने दिया, पाकिस्तान नाम दिया किसने है तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो शहबाज शरीफ है दोस्तों, नाम को शरीफ है बाकी बहुत ज्यादा हराम को हो रहा है, ठीक है, हाँ याद रखेंगे। राष्ट्रपति दोस्तों आरिफ अलवी है, क्या आरिफ अलवी राष्ट्रपति है। और देखिये यहाँ के हम सीमा निर्धारण की बात करें तो रेडक्लिफ सीमा दोस्तों 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। उसके अलावा LOC, क्या LOC दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों, ठीक, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल नहीं, एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों चाइना के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई है, ठीक है। आपको बता दें इनके दोनों और दोस्तों सैनिक, दोनों सैनिक तैयार रहते हैं। और आपको बता दें इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे सीज फायर लाइन कहते हैं दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है इस रेखा को। और आपको बता दें कि दोस्तों एक चीज रखेंगे कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कबीलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर गलत तरीके दोस्तों बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और इस पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या बना रखी है पाकिस्तान ने, मुजफ्फराबाद। और साथियों इसी पाक अधिकृत कश्मीर में दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी K2 जिसे हम गाडविन आश्रम कहते हैं स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है 8611 मीटर, ठीक, याद रखेंगे। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां है, POK पाक अधिकृत कश्मीर में यानी हमारे देश में, ठीक है, कितने हैं 8611 किलोमीटर। अब देखिए सिंधु जल समझौता बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी UPSI में इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। सिंधु जल समझौता, देखिए जल के लिए लड़ाई ना हो दोस्तों, इसके लिए ये समझौते के आते हैं। तो आपको पता है भारत से सिंधु नदी बहती है, ठीक है, चेमा यूंगडुंग की, ठीक है, कहां से दोस्तों, बोखरचू से निकल करके दोस्तों सिंधु नदी लद्दाख होते हुए दोस्तों आपके पाकिस्तान चले जाते, ठीक है, और उसकी सहायक नदी है। तो उसके लिए कुछ दोस्तों क्या हुआ, समझौता किया गया, याद रखेंगे। सिंधु जल समझौता कब हुआ तो 19 सितंबर 1960 को, किसके किसके बीच, तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, आयुब खान थे। किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के PM और वहां के राष्ट्रपति आयुब खान, और किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता। और कहां हुआ था तो दोस्तों पाकिस्तान के कराची में यह समझौता हुआ था। इसमें कहा क्या गया दोस्तों, पूरी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज, इनका पानी दोस्तों 80% पानी भारत यूज करेगा, और पश्चिमी नदियों का 80% पानी दोस्तों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी दोस्तों कौन यूज करेगा, पाकिस्तान कर लेगा, ठीक है। चलिए यही कहा गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के बीच दोस्तों 4 युद्ध हुए हैं मुख्यतः दोस्तों, 1947 में दोस्तों प्रथम कश्मीर युद्ध, जिसने दोस्तों POK थोड़ा सा अपना लिया इसने, ठीक है, और फिर 1965 में हुआ। इस युद्ध के बाद दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और यहीं पे दोस्तों हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी दोस्तों मृत्यु देश से बाहर हुई तो इसी समझौते में दोस्तों, ताशकंद समझौते में, ठीक है। फिर दोस्तों 1971 में होती है, और जिसमें दोस्तों विश्व के सबसे ज्यादा दोस्तों सैनिक सरेंडर इन्हीं के देश से करते हैं, हमारे भारतीय सेना के खिलाफ दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से काट के हमने देश बना दिया था, और कारगिल युद्ध था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों 2 ट्रेनें चलती थी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। थार देखिए मरुस्थल दोस्तों, आपको पता भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है, समझौता और थार एक्सप्रेस। और दोस्तों बेनजीर भुट्टो की रचना दोस्तों, एक है ये क्वेश्चन आपके कनिष्ठ सहायक परीक्षा पूछा है 2016 में, इनकी रचना कौन सी थी, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, किसकी रचना है, बेनजीर भुट्टो दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान की है, ठीक है। चलिए यहाँ की राजधानी देख लेते हैं, इस्लामाबाद है। प्रांत कितने दोस्तों, 8 प्रांत है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों रुपया ही है, जैसे अपने भारत की है। आजाद हमसे एक दिन पहले होते हैं, हमारे हिस्से आजाद होते हैं दोस्तों 14 अगस्त 1947 को। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और पशु क्या है, मारखोर है। और पक्षी दोस्तों चकोर, राष्ट्रीय पक्षी का चकोर। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, जैस्मीन। उर्दू है इनकी यहाँ की भाषा। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों मैदानी हॉकी है। और फल दोस्तों आम है, जैसे अपने यहाँ का भी है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, देवदार है। और सबसे बड़ा शहर दोस्तों इनका कराची है। और आपको बता दें सबसे लंबी नदी दोस्तों सिंधु
नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु नदी, जिसे हम पाकिस्तान की जीवन रेखा या पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी इसको कहते हैं। जैसे अपने यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। वैसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी दोस्तों सिंधु नदी। और इनकी दोस्तों राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? कौमी तराना, जिसे दोस्तों हाफिज जालंधरी ने दोस्तों लिखा है, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। चलिए आगे दोस्तों बात आती है नेपाल की। दोस्तों नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल भी दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, हमारे साथ दोस्तों इसके सीमा समझौते हैं। दोस्तों इसके यहाँ दोस्तों जाने पर हमारा कोई भी वीजा नहीं लगता है। और देखिए भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और सिक्किम के साथ दोस्तों ये सीमा साझा करता है। और याद रखेंगे नेपाल विश्व का एकमात्र देश है, देखिए विश्व का एकमात्र देश है जिसका ध्वज क्या है दोस्तों? आयताकार है। देखिए सभी देशों के झंडा कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, आयत के तरीके से, मगर दोस्तों इसका इस तरीके से त्रिभुजाकार से बना हुआ, ठीक है। तो ये विश्व का एकमात्र देश है, ठीक है। चलिए और दोस्तों 5 राज्यों को आपका नेपाल दोस्तों सीमा साझा करता है। ये दोस्तों आपकी पिट में पूछा गया क्वेश्चन, कितने राज्यों को नेपाल, कितने राज्यों के साथ दोस्तों नेपाल सीमा साझा करता है? दोस्तों 5 राज्यों के साथ। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर दोबा। और दोस्तों राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि जो हमारे यहाँ के सेना प्रमुख होते हैं ना और वहां के सेना प्रमुख, दोनों दोस्तों दोनों देश की मानक जनरल की रैंक प्रदान की जाती है। देखिए आपको याद रखना है कि भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की जाती है। और उसी के प्रत्युत्तर में दोस्तों भारत ने भी नेपाल सेना के प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत करते, यानी जो वहां का दोस्तों सेना प्रमुख होगा वो भारत का भी होगा और जो भारत का सेना प्रमुख होगा वो नेपाल का होगा। दोस्तों ये एक तरीके से रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच दोस्तों ट्रेन, इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत बिहार के जयनगर से दोस्तों नेपाल के कुर्था तक की गई है दोस्तों। और आप बता दें कुछ परियोजना है, जैसे पंचेश्वर बहुदेशी परियोजना दोस्तों भारत और नेपाल के बीच, कौन सी? पंचेश्वर बहुदेशी परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। और आपको बता दें दोस्तों नेपाल का नवीनतम संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। दोस्तों याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे दोस्तों हम नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पिछली बार पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई? 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई। और दोस्तों बछेंद्री, देखिए आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल दोस्तों। और कई बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव, ठीक है, याद रखेंगे। और देखिये एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय दोस्तों कौन बनी है? तो रिधम ममानी दोस्तों। ये लेखपाल अभी हाल ही के लेखपाल परीक्षा में पूछा गया, तो याद तक लेंगे। और भारत और नेपाल के बीच दोस्तों सीमा विवाद है किसके किसके बीच? तो लिपू लेख दोस्तों, लिंपी अधूरा और काला पानी, ये तीन चीजों के बीच दोस्तों क्या है? भारत और नेपाल का सीमा विवाद, लिपू लेख, लिंपी अधूरा और काला पानी। देखिए राजधानी क्या है? काठमांडू। 7 प्रांत हैं। राष्ट्रीय दोस्तों पंचायत यहां की संसद है। मुद्रा दोस्तों रुपया है। राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? गाय है। देखिए नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों पीपल है। और राष्ट्रीय भाषा दोस्तों नेपाली है। दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपके लोअर द्वितीय परीक्षा में पूछा गया कि नेपाली और किस राज्य की दोस्तों मुख्य भाषा? दोस्तों सिक्किम की दोस्तों नेपाली मुख्य भाषा है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? कर्णाली, ठीक। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहां का अब दोस्तों वॉलीबॉल हो गया है, 23 मई 2017 को अपना। इससे पहले दोस्तों इनके यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या था? दौंडी व्यूह यानी गुल्ली डंडा। अब दोस्तों ये वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल बना लिए हैं। चलिए अगला है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बारे में बात करते हैं, तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ दोस्तों सीमा साझा करता है। और भारत म्यांमार के बीच दोस्तों हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जैसे लुसाई हो गया, पटकोई हो गया, पटकोई बूम और अराकान योमा स्थली सीमा बनाते दोस्तों। ये क्या करते हैं? स्थली सीमा बनाते। और आपको बता दें कि भारत और म्यांमार को दोस्तों इरावदी नदी भी अलग करते। दोस्तों इरावदी नदी कहाँ की दोस्तों प्रमुख नदी है? तो म्यांमार की। यार कहेंगे इरावदी नदी दोस्तों कहाँ की प्रमुख नदी है? म्यांमार के। दोस्तों इसी में इरावदी डॉल्फिन पाया जाते, अपने गंगा में सुसु डॉल्फिन पाया जाती, वैसे दोस्तों इरावदी नदी में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती जो कि प्रमुख है, ठीक है। अब याद रखेंगे म्यांमार के दोस्तों कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य दोस्तों कोको चैनल। दोस्तों आपको पता करना है, देखिए यह रखना है कि कोको द्वीप पर दोस्तों किसका अधिकार है? म्यांमार। देखिए म्यांमार को ये कोको द्वीप दोस्तों भारत ने ही दिया था, ठीक है, यार रखिए, बहुत चर्चित है क्योंकि दोस्तों म्यांमार ने अभी दोस्तों इसे चाइना को दोस्तों मंजूरी दी है, ठीक है, चाइना को यहाँ आने के लिए मंजूरी दी है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा चर्चित है। याद रखेंगे कोको द्वीप समूह दोस्तों किसके किसके बीच है, सॉरी किसका है? दोस्तों म्यांमार का, इसे भारत ने दोस्तों म्यांमार को दिया था। चलिए आपको याद रखना है कि भारत म्यांमार सीमा पर दोस्तों मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के दोस्तों दोनों सीमा के दोनों ओर दोस्तों 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। यानी कि जो सीमा पर रहना भारत और
म्यांमार के। तो दोस्तों 16 किलोमीटर भारत के अंदर और भारत वाले 16 किलोमीटर दोस्तों म्यांमार के अंदर जा सकते हैं। वैसे दोस्तों अभी यहाँ पे सैन्य व्यवस्था लागू, दोस्तों सैन्य शासन लागू है, आपको पता होगा। हालांकि दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपिटा, ठीक है, और आजाद का बहुत 4 जनवरी 1948 को, ठीक है। और देखिये म्यांमार के रंगून में दोस्तों आपको पता होगा कौन मुगल, अंतिम मुगल शासक, दोस्तों अंतिम मुगल शासक म्यांमार के रंगून में उनकी मृत्यु होती, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति का लीड कर रहे थे। यहाँ पे प्रांत कितने हैं, 14, और मुद्रा दोस्तों क्या था, क्या मुद्रा है, क्या था, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, इंडो चाइना टाइगर, और राष्ट्रीय भाषा क्या है, वर्मी है दोस्तों, और राष्ट्रीय खेल है चिन्ह लोन, और संसद का नाम क्या है यहाँ के, असेंबली ऑफ यूनियन, राष्ट्रीय पक्षी है फी पी फाउल पी हैट, और राष्ट्रीय पुष्प क्या है पार्श्वपदोक, और सबसे लंबी नदी क्या है इरावती नदी, ठीक, यहीं पर इरावती डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, और सबसे ऊंची चोटी कौन है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो खकाबो राजी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों भूटान की। भूटान दोस्तों भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है, दोस्तों बंगाल हो गया, और दोस्तों सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, दोस्तों थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं, भूटान को, ये आपके पेट में पूछा गया है। चलिए यहाँ के दोस्तों राजा कौन है, तो दोस्तों कौन है, खेसर वांगचुक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो लोतेक त्शेरिंग है दोस्तों, ठीक है। और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई थी, और इनके बीच दोस्तों कुछ क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं भारत और भूटान के बीच। देखिए इससे पहला है ताला जल विद्युत परियोजना, दोस्तों कहां किसके बीच है, भूटान के बीच। फिर चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान के बीच, कुरीछु जल विद्युत परियोजना भूटान के बीच, और पुनात संगछु, दोस्तों ये देखिए दो हैं, प्रथम और द्वितीय, देखिए प्रथम चालू द्वितीय बन रहा, तो पुनात संगछु दोस्तों जल विद्युत परियोजना किसके बीच है, तो भारत और भूटान के बीच। मांग देचु परियोजना किसके बीच है, भारत भूटान, और खोलांगछु दोस्तों ये भी भारत और भूटान के बीच, और वांगछु दोस्तों भारत भूटान के बीच, और बुनाखा चाम खारछु जल विद्युत परियोजना दोस्तों भारत और भूटान के बीच। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि भारत के सहयोग से कहां पर दोस्तों, न्यांगलम में दोस्तों 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट परियोजना दोस्तों, यानी जिसका नाम है डुंग साम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जाएगी भारत के सहयोग दोस्तों, कहां पर, भूटान में। और आप बता दूं नेहरू वांगचुक दोस्तों सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना दोस्तों थिम्पू में की गई थी, किसका किसका, नेहरू दोस्तों अपने यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और वहाँ के दोस्तों वांगचुक, इनके दोस्तों दोनों के मिलन यानी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना दोस्तों थिम्पू में की गई। राजधानी क्या है, थिम्पू दोस्तों भूटान की। राज्य कितने हैं, 20, और दोस्तों मुद्रा क्या है, नेगुलड्राम है दोस्तों, और संसद को दोस्तों तसोंगडू बोलेंगे, और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साइप्रस है, राष्ट्रीय पशु है टोफिन, और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प है ब्लू पोपी, और तीरंदाजी दोस्तों यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रोबिन साथियों, और राष्ट्रीय चोटी क्या है दोस्तों, पर्वत चोटी बड़ी कौन से, कुलंग कांगरी दोस्तों, कुल कांगरी दोस्तों, और मानस नदी दोस्तों यहां की सबसे प्रमुख नदी है, राष्ट्रीय नदी है, जो कि दोस्तों पता है भारत में असम में आती है, और यहां पे मानस अभयारण्य इसके किनारे स्थित, कौन सा, मानस अभयारण्य इसके किनारे, और ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है, ठीक है। चलिए और दोस्तों यहां की भाषा कौन है, जोंगखा, ठीक है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान आता है, और अफगानिस्तान आपको पता है सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य देश है दोस्तों, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है केवल लद्दाख के साथ, ठीक है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रमुख नगर जिसको काबुल और कांधार बोलते हैं ना, ये दोस्तों पहले गांधार प्रदेश था दोस्तों, गांधार नगर था, गांधार प्रदेश था, और जो कि दोस्तों भारत के प्राचीन ग्रंथ दोस्तों महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश गांधार प्रदेश कहा जाता था। याद रखें दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान में दोस्तों सहतूत बांध और सलमा बांध बनाया, दोस्तों सलमा बांध दोस्तों आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारत ने अफगानिस्तान में कौन सा बांध बनाया, सलमा बांध दोस्तों, सलमा और सहतूत बांध याद रखेंगे, अभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि सहतूत बांध दोस्तों अभी चर्चित था, ठीक है। चलिए और दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान में दोस्तों संसद भवन का निर्माण कराया दोस्तों, और अफगानिस्तान में दोस्तों सबसे बड़े अस्पताल का भी निर्माण भारत ने करवाया, ठीक है, याद रखेंगे। और इस समय दोस्तों तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में। तो देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। क्या राजधानी है दोस्तों अफगानिस्तान की, तो आप बताओ काबुल। यहाँ पर कितने प्रांत है, 34 प्रांत है। मुद्रा क्या है, अफगान रुपया। संसद का नाम दोस्तों 16 है, और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, स्नो लियोपार्ड दोस्तों, ठीक है। चलिए और दोस्तों वृक्ष क्या है, अफगान पाइन है, और पक्षी दोस्तों गोल्डन ईगल है, और ट्यूलिप क्या दोस्तों यहाँ का पुष्प है राष्ट्रीय, और बुजगासी यहाँ का खेल दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, और राष्ट्रीय फल क्या है, आडू है। राष्ट्रीय भाषा पश्तो और फारसी है दोस्तों, और याद रखेंगे सबसे लंबी नदी यहाँ कौन है, हीरमंद दोस्तों सबसे लंबी नदी है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोस्क है। क्या है, नोस्क है, ठीक है। चलिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये स्थली सीमा नहीं साझा करता, जली सीमा साझा करता है दोस्तों, फिर भी हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए ये दक्षिण एशिया
में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय क्या होता है? द्वीप क्या होता है दोस्तों? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? सिलोन। और दोस्तों 1972 में इसका नाम लंका कर दिया गया दोस्तों, उसके बाद इसका नाम श्रीलंका हो गया। ठीक है, भारत और लंका के बीच, भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों सीमा में बात करते हैं दोस्तों पाक की खाड़ी। देखिए आपसे पूछेगा पाक की खाड़ी किसके किसके बीच, तो लोग पाकिस्तान बताते क्योंकि पाक लगा इसलिए पाकिस्तान कहते हैं, बल्कि दोस्तों पाकिस्तान नहीं भारत और बांग्लादेश होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो पंबन द्वीप दोस्तों रामेश्वरम को जोड़ता है, आदम्स ब्रिज दोस्तों आदम का पुल कहते हैं, और मन्नार खाड़ी दोस्तों ये बांग्लादेश सॉरी भारत और श्रीलंका के मध्य है। और आपको बता दें श्रीलंका दोस्तों एक क्या पड़ता है बंदरगाह, हम्पन टोटा बंदरगाह, जिसे दोस्तों चाइना ने 99 सालों के लिए दोस्तों इसे आप मतलब इस पर अधिग्रहण कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे ना कोटे, श्री जयवर्धने पूरे कोटे दोस्तों। और यहाँ का रुपया क्या? श्रीलंकाई रुपया दोस्तों, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। और कब आजाद हुआ दोस्तों? 4 फरवरी 1948, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 फरवरी 1948 को आपका श्रीलंका आजाद होता है। यहाँ पे कुल प्रांत कितने हैं? 9, और कुल जिले दोस्तों 24 हैं। सबसे बड़ा नगर दोस्तों कोलंबो है, जो कि पहले यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? सिंगली और तमिल दोस्तों। राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है दोस्तों। यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है? महावेली गंगा। क्या? महावेली गंगा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? सिलोन आयरन वुड। क्या? सिलोन आयरन वुड दोस्तों यहां का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पक्षी जंगल फाउल है दोस्तों। और राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। और राष्ट्रीय गान क्या है? श्रीलंका माता। ठीक है, और दोस्तों कुछ याद रखेंगे कि चुंबा घाटी, चुंबा देखिए चुंबा घाटी दोस्तों भारत चीन और भूटान के बीच दोस्तों इसी से त्रिसंगम है। भारत चीन और भूटान का त्रिसंगम क्या है? चुंबा घाटी दोस्तों। ये यूपी एएसआई में पूछा गया। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों? कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमने बताया 1972 को। ठीक है, और त्रिपुरा दोस्तों तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ, सॉरी बांग्लादेश से घिरा हुआ, जीरो लाइन के सहारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं? तो 7 देशों की। यही आपका पिछली बार भी देखो ये विधान रक्षक भवन में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण व पश्चिम में किस देश से घिरा है? दोस्तों बांग्लादेश से घिरा है, जीरो लाइन के सहारे दोस्तों। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा था अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित एक संधि की मध्यस्थता दोस्तों किसके द्वारा की गई? दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। तो यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और के बीच 1966 में युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच। और आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और उनकी मृत्यु दोस्तों वहां रहस्यमय तरीके से हो जाती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई 2021 में हाल ही में पूछा गया है। चलिए दोस्तों किस शहर में सिंधु जल समझौता दोस्तों 1965 में किया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कहां पर सिंधु जल संधि होता है दोस्तों, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको बता दें ये हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, यहाँ पे जाइए, आपको देखिए यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा इस ये दोस्तों ये आपका पिन कर रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हमने करंट अफेयर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर पीडीएफ सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है। और एक बात दोस्तों, आप जाइए हमारे इस प्लेलिस्ट पर, संपूर्ण कोर्स पेट आप जो चीज़ें आपको दिक्कत करें दोस्तों उसका आप क्विक रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।